Children, today we are going to see class 6 new NCRT syllabus Malhar book lesson to goal. The name of the lesson is goal. Goal means round shape. Anything that is in round shape we say as yes, goal. But here in lesson, what sort of goal they are talking about, what thing they are talking about will come to know after reading the lesson. Before that, they have given a इंट्रोडक्शन लेट सी दैट इस पाठ का नाम पढ़कर आपके मन में कुछ गोल वस्तुओं के नाम या चित्र उभरे होंगे गोल गेंद गोल रोटी गोल चंद्रमा आदि इस पाठ का नाम पढ़कर वॉट गिवन है आफ्टर रीडिंग दिस नेम यू विल बी हैविंग समथिंग यू विल बी हैविंग इन योर माइंड आपके मन में कुछ गोल वस्तुओं के नाम या चित्र उभरे होंगे

यह पार्ट एक प्रसिद्ध खिलाड़ी के संस्मरण का एक अंश है दिस लेसन इज अ पार्ट ऑफ अ फेमस प्लेयर एंड इट्स फ्रॉम द मेमोरी ऑफ हिम आइए इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन थे वे प्रसिद्ध खिलाड़ी सो व्हाट दे आर सेइंग कम लेट अस रीड एंड अंडरस्टैंड हु इज दैट प्रसिद्ध खिलाड़ी बिफोर डूइंग दैट लेट अस नो हु इज दैट खिलाड़ी इज सो हियर इट इज ही इज नन अदर दे जी यदि कोई खिलाड़ी अपनी आत्मकथा का नाम घोल रखे तो इस नाम को पढ़कर इतना तो तुरंत समझ में आ जाता है कि उसे खेल से कितना प्यार रहा होगा सो वॉट इज गिवन यर इफ ए प्लेयर इज फॉर हिज आत्मकथा फॉर हिज ऑटोबायोग्राफी इज गिवन द नेम घोल सो वी कैन अंडरस्टैंड हाउ मच ही लव द्ले तो इस नाम को पढ़कर इतना तो तुरंत समझ में आ जाता वी क्विकली कैन अंडरस्टैंड उसे खेल से कितना प्यार रहा होगा फॉर हिम हाउ मच द प्ले इज इंपॉर्टेंट हाउ फॉर ही लव्स द प्ले जी हाँ वे अमर खिलाड़ी है हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद सो व्हाट नाउ दे आर इंट्रोड्यूसिंग द नेम ऑफ अमर खिलाड़ी संग अमर खिलाड़ी वॉट इज मीन अमर खिलाड़ी मीन्स इमार्टल प्लेयर एंड ऑल्सो ही सेट बी हॉकी के जादूगर द मैजिक ऑफ हॉकी मेजर दयान चंद जी इतनी महान की भारत उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है सो ही सो ग्रेट द गवर्नमेंट हैज मेड हिज बर्थ डे एज नेशनल स्पोर्ट्स डे जिससे लाखों भारतवासी उनके जीवन से प्रेरणा ले सके सो दैट सो मेनी पीपल कैन गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम हिम इतने महान खिलाड़ी की, की भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न उनके नाम पर दिया जाता है सो इज सो ग्रेट दैट दी द ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड खेल रत्न इज गिवन इन हिज नेम सो लेट्स सी व्हाट इज गिवन इन दिस लेसन नाउ लेट्स रीड दी पार्ट ऑफ हिज ऑटोबायोग्राफी खेल के मैदान में धक्के घटनाएं होती रहतीजा दट इज पुश एंड शो देर विल बी फाइटिंग विदीपल आवर नोक चोक इज ऑल्सो सेट टू बी फाइटिंग की घटनाएं दोज इंसिडेंट विल है तो यह सब चलता ही है सो इन द प्ले This is obvious that it happens. जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी यह सब चलता था so he says that in those days also whenever we play these things will happen that is there will be a fight in the playground so 1933 ki baat hai now he is talking about a incident that happens in 1933 un dino mein main punjab regiment ki or se khela karta tha so those days he was playing फॉर दी पंजाब रेजिमेंट से खेला करता था इज प्लेइंग फॉर पंजाब रेजिमेंट एक दिन पंजाब रेजिमेंट और साइंपर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था ओंडे व्हाट है देर वॉज अ कॉम्पिटिशन मुकाबला बिटवीन पंजाब रेजिमेंट एंड साइंपर्स एंड माइनर्स टीम माइनस टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती सो व्हाट हैपेंस नाउ माइनस टीम ए प्लेयर फ्रॉम माइनस टीम वाज ट्राइंग टू स्नैच द बॉल फ्रॉम हिम लेकिन उनकी हर कोशिश देन व्हाट हैपेंस बट ऑल हिज एफर्ट गोज इन वेन बट व्हाट ही मीन्स टू से दैट द ओपोनेंट प्लेयर वाज ट्राइंग टू गेट द बॉल बट ही डिडंट गिव दैट इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पर दिए मारे सो वॉट हैपन्स नाउ वन ऑफ द प्लेयर गॉट एंग्री गुस्से एंड ही जस्ट हिट दी हेड विद दी हॉकी स्टिक एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पर दे मारी ऑन दी हेड ही जस्ट हिट इट ऑन दी हेड मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया सो देन ही वॉज टेकन आउट फ्रॉम द्ले ग्राउंड थोड़ी देर बाद फिर मैदान में आ पाऊ थोड़ी देर बाद वॉट हैपन दर दयाचंद जी वॉज टाइड विदेज इन देड एंड वॉज टेकन बैक टू द्ले ग्राउंड आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा तुम चिंता मत करो इसका बदला मैं जरूर लूंगा वाइल कमिंग ही सेट टू प्लेयर दैट तुम चिंता मत करो यू डोंट वरी इसका बदला मैं जरूर लूंगा आई विल टेक what फॉर दिस to ही to टू other पर्सन पीठ पर हाथ रखकर I didn't say the मीनिंग फॉर that. ट्वीट पर हाथ रखकर revenge for this. मेरे इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया. गया got frightened. अब हर समय मुझे ही देखता रहता कि मैं कब उसके सिर पर हाकी स्टिक मारने वाला हूं दैट प्लेयर वॉज कंटिन्यूसली सींग हिम अब हर समय

फिर उस खिलाड़ी के पीढ़ थपथाई और कहा दोस्त खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं सो आफ्टर दी कम्प्लीशन ऑफ दी प्ले खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीढ़ तब तप, तप हाई अगेन वॉट अवर ऑथर इज डूंग दोस्त फ्रेंड केल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं है playing, मैंने अपना बदला ले ही लिया है सो देन वॉट ही सेव टेकन रिवेंज फॉर देट अगर तुम तो मुझे हाकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें दो ही गोल से हरा था ही ऑल्सो सेज दैट इफ यू हैव नॉट हिट मी

तो देखा आपने मेरा बदला लेने का यू सी दी मैनर इन विच आई हैव टेकन रिवेंज सच मानो बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी सो ही ऑल्सो सेज दैट इट इज ट्रू दैट बुरा काम करने वाला आदमी द पर्सन हु इज डूइंग बैड थिंग्स हर समय इज भाट से डरता रहता है ईच एंड एवरी टाइम इज फ्राइट इज अ फ्रेड ऑफ दिस थिंग दैट उसके साथ भी बुराई की जाएगी बैड थिंग्स विल हैपन फॉर हिम ऑल्सो एज ही इज डूइंग बैड थिंग्स हीज जस्ट एक्सपेक्टिंग बैड थिंग्स फॉर हिम ऑल्सो दिस इज वॉट हि इज से रीडर्स आज मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानने चाहते हैं। व बूढ़े इधर एड ए स्मोल चिल्ड्रेन और एल्डर पीपल मुझे घेर लेते हैं एवरीबडी सराउंडिंग आस्किंग मी मुझसे मेरी सफलता का राज आस्किंग मी दी सीक्रेट ऑफ सक्सेस मुझसे मेरी सफलता का राज जानने चाहते दे वॉन्ट्स टू नो अबाउट सीक्रेट ऑफ सक्सेस मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है नहीं सो ही इज़ नो मंत्रा फॉर सक्सेस हिज इज दक्सेस हर किसी से यही कहता लगन साधना और खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैगन दट इज डेडिकेशन साधना देट इज हार्डवर्क एंड खेल स्पोर्ट्स मैनशिप खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र दट इज दीक्रेट ऑफ सक्सेस मेरे जन्म सन नाइनटीन नॉट फोर में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ और ही हैज बोर्न प्रयाग नॉट फोर इन उत्तर प्रदेश नाउ एक साधारण परिवार में एक। फैमिली वाज अ वेरी सिंपल फैमिली बाद में हम झांसी आकर बस गई आफ्टर दैट ही इन सोलह साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गई

दट टाइम हेज रेजिमेंट जुबेदार जुबेदार इज अ रैंक इन मिलिट्री सो हि सेज दट जुबेदार मेजर थिवारी थे द नेम ऑफ द रेजिमेंट जुबेधार वॉज थिवारी वे बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते वॉट ही से अगेन एंड अगेन ही कॉलिंग अगर राइटर टू प्ले हॉकी हमारे में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था सो इन कंडोनमेंट इनमेंट इन ग्रुप दर इज नो सर्टेन टाइम टू प्ले हॉकी सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंचाते और अभ्यास शुरू करते थे सो वेन अवर पीपल वॉन्ट्स द मिलिट्री पीपल वॉन्ट टू डू दो टू दी मैदान दे गो टू दी प्ले ग्राउंड डू दी एक्सरसाइज प्रसॉर गेम उस समय तक मैं एक नौ खिलाड़ी था अपर जैसे, जैसे मेरे खेल में गया, वैसे, वैसे मुझे थर्की भी मिलती गयी सर एस हाउ लॉन्ग गेट इम्प्रूवमेंट इन द गेम ही प्रोमोशन इन हज जॉब सन नाइनटीन थर्टी सिक्स में बर्लिन ओलम्पिक में मुझे कप्तन बना, बनाया गया

in the berlin olympic game the people was so impressed in the way of his playing olympic mein log mere hockey khelne ke thang the way he is playing the people got impressed and the people called him hockey ka jadugar so people started calling him hockey ka jadugar during berlin olympic game इसका यह मतलब नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था. also he says that it doesn't mean that all the goals i have put इसका यह मतलब नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी सादी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए सो वॉट ही ट्राइज टू डू इज यह कोशिश रहती की सो वॉट ही गेंद का गोल के पास ले जाए सो ही हैज टू टेक द बॉल टू द प्लेस द्लेस द गोल इज गेंद को गोल के पास ले जाकर अपनी किसी खिलाड़ी सो ही विल बी गिविंग द बॉल टू द प्लेयर टू हिज टीम खिलाड़ी को दे दो ताकि सो दैट व्हाट हैपेंस उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए सो दैट द क्रेडिट गेट्स क्रेडिट विल बी गोइंग फॉर दैट खिलाड़ी दैट प्लेयर अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया सो दिस इज द रीजन दिस वे ऑफ प्लेइंग मेक्स मेड मी विन द हार्ट ऑफ मेनी गेम लवर्स बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला सो व्हाट ही सेज दैट बर्लिन ओलंपिक ही गॉट दे गॉट द टीम गॉट गोल्डन गोल्ड मेडल खेलते समय में हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरे नहीं बल्कि पूरे देश की है वाइल प्लेइंग वन थिंग विल बी इन हज माइंड खेलते समय में हमेशा ऑलवेज द थिंग दैट इज इन यर माइंड दैट इज इन हिज माइंड हार या जीत इधर इट इज अ डिफीट और विन मेरे नहीं इट इज नॉट फॉर हिम बल्कि पूरे देश की है Instead, it is for our country. So, this thought will make him to fight more, to play more with full dedication. That's what Major Dayanchanji says that whatever work we do, either it is a study or a play, whatever we do, we should have full dedication and hard work towards that. That is what Major say say to us. So, hope you have understood this lesson and also read word by word children understand all the word and read with full interest children thank you